हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग मशीन को लेकर राजनीति गरमा गई है। गत दिवस हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कोरोना टेस्टिंग मशीन को लेकर सुखबिंदर सिंह सुक्खू के बयानों को झूठा बताते हुए इस मशीन के लिए प्रदेश सरकार का पैसा खर्च होने की बात कही, तो अब प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने बीजेपी पर कोरोना संकट के दौरान राजनीति करने का आरोप लगाया है। कुलदीप पठानिया ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बड़ी विडंबना है कि जिस विधायक के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज है, वे विधायक ही ऐसी बयानबाजी कर रहा है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में मशीन लगाने की घोषणा पहले हुई थी और लॉकडाउन के चलते मशीन लगाने के लिए देरी हुई है, लेकिन विधायक नरेंद्र ठाकुर के द्वारा राजनीति करके बयानबाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सारे काम सरकार ही करती है और विधायक निधि भी सरकार की ही होती है। उन्होंने कहा कि विधायक की सोच होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र का विकास कैसे करवाएं, लेकिन लोगों की भलाई के लिए काम करने के बावजूद भी सुक्खू का विरोध किया जा रहा है। मेरे पास वो लेटर है, मैं आप सबको एक एक दे दूंगा। ये बड़ी विडंबना है कि जिस विधायक के क्षेत्र में वो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, उसको इसके तरफ ध्यान देना चाहिए थे। अपने जनता की तरफ की जो परेशानी है उसको ना बताते हुए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो घोषणा हुई थी, ये जो लॉकडाउन हुआ था उससे पहले 5 दिन पहले हुई थी और उसी के तहत ये वर्क होम वर्क करके सारा जो इसका हुआ उसके वजह से ये कोविड की वजह लॉकडाउन की वजह से थोड़ी लेट हो गई। थोड़ी राजनीतिक तौर से भी बीच में इस तरह की कोई कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आकर उन बातों पे ना ज़्यादा गहराई पे बात की जाए, उनके बावजूद भी आज जो मशीन है वो मेडिकल कॉलेज में स्थापित हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में उसके कार्य शुरू कर दी है। और कल जो विधायक ने कहा कि उन्होंने अपनी नहीं दी है, सरकार की दी है, सारे काम सरकार ही करती है। ये वहाँ का जो नेतृत्व तो करता है कोई, उसकी सोच पे डिपेंड करता है वो अपने अपने इलाके की विकास की गति को किस तरह देना चाहता है और कैसे देना चाहता है, उसकी अपनी सोच होती है। चाहिए तो इनको था कि इस बात पे ये श्रेय लेते, लेकिन श्रेय लेने के बावजूद ना लेते लेने के बाद ना काम करने के बावजूद भी श्रेय लेने की भी बात नहीं करते हैं, ये कटाक्ष कर रहे हैं। ये सुक्खू जी ने न ये इस मशीन को, नहीं मैं ये कहूँगा कि इस मेडिकल कॉलेज का जो श्रेय भी है वो सुक्खू जी को जाता है। 10 साल से इसके साथ जो कॉलेज शुरू हुए थे, चाहे वो नान का था, वो चंबल में था, तो उनमें काफ़ी कार्य हो गया है, लेकिन अभी तक भी सरकार को 3 वर्ष हो गए, अभी तक एक ईंट या एक गिनती भी उस जगह में नहीं लगी जहाँ से वहाँ जगह जो अलॉट हो चुकी है। इससे साफ लगता है कि जो भाजपा सरकार है, चाहे केंद्र में है, चाहे विधानसभा हिमाचल में है, वो लोगों को गुमराह कर रही है और झूठ के सारे जो है वो ऊपर से नीचे तक ये सरकार तंत्र चला हुआ है। कुलदीप पठानिया ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग मशीन को लगाना बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन के लिए भी धन मुहैया करवाएं। उन्होंने कहा कि आज के समय में हमीरपुर में सरकारी तंत्र फेल हो गया है और विधायक के नजदीकी रिश्तेदार सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे बाकी लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने विधायक को सलाह दी कि लोगों के विकास के लिए समय दें और रिश्तेदारों को दूर कर जनहित का काम करें। और बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम माननीय विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुक्खू जी का धन्यवाद भी करते हैं, स्वागत करते हैं और भी आशा करते हैं कि वो आने वाले कल इस मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़े। जैसे यहाँ एक हमारी सीटी स्कैन मशीन है, वो ऐसे चलती है जैसे कभी रेलवे पटरी के ऊपर ठेला चलता है, तो हम यहाँ लोकल जो विधायक है हम उससे कह सकते हैं अगर उसमें मेहरबानी कर दे तो अच्छा है, जो कर रहा है उसका गुणगान नहीं करना है तो धन्यवाद तो कर दे। आज की डेट में जो हिमाचल हमीरपुर में जो सरकारी तंत्र चला है, प्रशासन चला है, वो जो विधायक के नज़दीक में रिश्तेदारी और कोठरी बनी हुई है वो सारा काम कर रही है, चाहे ठेके हैं चाहे दूसरे काम है, आम लोगों को कोई उसे कौन से बार है। और वो लोग जो है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और सत्ता के नशे में हमीरपुर के जो दूसरे लोग हैं उनके लिए
हानिकारक हो रहा है और परेशानी हो रही है, मैं विधायक जी को निवेदन करूंगा और सलाह दूंगा कि अपने नजदीक जो तेरे पास जो बना हुआ है उस ढांचे को साफ करे और लोगों के विकास के लिए जो अपना समय दे और लोगों और जिले के लोगों को आगे ले जाने का प्रयास करे। प्रदेश महासचिव एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा ने कहा कि कोरोना टेस्टिंग मशीन के लिए देरी की गई है और आज सरकार के द्वारा जारी किए गए पत्र से विधायक को स्पष्ट होगा कि मशीन के लिए पैसे दिए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ठाकुर झूठ की राजनीति करना छोड़ी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा झूठ की राजनीति करती है और ऐसे समय में जीवन को बचाने के लिए काम किया है और ये भी बीजेपी नेताओं को रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये मशीन बीजेपी और कांग्रेस को विभाजित नहीं कर रही है, अपितु मशीन जीवन दान देने का काम करेगी। उनकी विधानसभा में जहां पे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा मेडिकल कॉलेज दिया गया, उनके विधायक निधि से 35 लाख रुपए से कोरोना टेस्ट मशीन दी गई, उस कोरोना टेस्ट मशीन के ऊपर षड्यंत्र पूर्ण राजनीति करके नरेंद्र ठाकुर जी प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहे हैं। ये लेटर आप सभी के लिए और जनता के लिए हम लेके आए हैं। ये लेटर बताएगा कि सुक्खू जी की विधायक निधि है कि नहीं है। और मैं नरेंद्र ठाकुर जी को बोलना चाहूंगा कि झूठ की राजनीति छोड़ दीजिए, षड्यंत्र की राजनीति छोड़ दीजिए और इस पत्र को पढ़िए। ये सरकार का पत्र है जिसमें स्पष्ट शब्दों में एमएलए नदौन का नाम लिखा गया है, 35 लाख रुपए का नाम लिखा गया है, तारीख लिखी गई है। और ये सुक्खू जी का खुद का बनाया हुआ लेटर नहीं है, ये सरकार का पत्र है। तो जो भी उनको कोई संशय हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ की राजनीति करती है। लेकिन ऐसे समय में जबकि पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा जिला हमीरपुर इस बात से खुश है कि जीवन को बचाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर सुक्खू जी ने वो काम कर दिया जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उनके बाद किया। तो नरेंद्र ठाकुर जी, आप झूठ की राजनीति को बंद करिए। और मैं तो एक और भी बात बोलना चाहूंगा उनको, उनकी पृष्ठभूमि को देखते हुए, कि कम से कम झूठ बोल करके आप उस राजनीति के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। अरे नरेंद्र ठाकुर जी, आपका पूर्व का इतिहास ये बताता है, पता नहीं आने वाले टाइम में आपको कहां से चुनाव लड़ना पड़ जाए। आपके पास भी विधायक निधि थी, आपके टाइम में भी कोरोना बीमारी शुरू हो गई थी, आपने अपनी विधायक निधि से क्या दिया?